हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्दी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि काजू बादाम खाने का फ़ायदा क्या है और इसका खाने का सही तरीका क्या है और इसका खाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। तो आपको पूरी तरफ से इस वीडियो में नॉलेज बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंपली आपको पहले वीडियो को लाइक कर देना है जैसे वीडियो देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है। और दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड ए पब्लिक कमेंट आएगा, ये ऐड ए पब्लिक कमेंट में यहाँ पर सिंपली कोई भी कमेंट इसके रिलेटेड काजू बादाम के रिलेटेड कोई भी कमेंट करना है, आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करते हैं काजू बादाम जो है हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है, आखिर काजू बादाम पे होता है क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, काजू बादाम जो है इसमें आप देख सकते हो जो कि कैलरीज कितना मिलता है 574, फिर प्रोटीन जो कि 15.3 ग्राम मिलता है, जो कि हम क्या करते हैं तीन अंडा खाने के बाद 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन देख सकते हो काजू बादाम, एक ही काजू बादाम में कितना सारा प्रोटीन है 15.3 ग्राम, फिर फैट, ठीक है, फिर फैट कितना है 46.3 ग्राम, फिर कार्बोहाइड्रेट्स देख सकते हो 33 ग्राम, फिर फाइबर जो कि देख सकते हो 3 ग्राम, और कैल्शियम देख सकते हो 4 ग्राम। जो कि आपको यही पे आप समझ सकते हो कि आपको क्यों बहुत ज़रूरी है आपको आपके लाइफ में काजू बादाम खाने का। तो दोस्तों, अगर आप काजू बादाम नहीं खा रहे हो तो जल्दी से ले लो और इसका फ़ायदा भी सुन लो। जैसे दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कुछ फ़ायदे मैंने लाया है। और पहला फ़ायदा जो है दोस्तों, हम जो काजू बादाम खाने के बाद हमारा जो एनर्जी है वो बूस्ट कर देती है, जैसे कि हमारे काम करने का मन नहीं करता है, थकान सा मेहनत महसूस होता है, पूरे दिन मतलब अलसी टाइप लगते हैं, तो हमारे इंसान में जो ह्यूमेनिटी होता है वो बढ़ा देते हैं और पूरी बेस्ट एनर्जी बूस्ट करती है, ठीक है। ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि स्क्रीन में होने वाली पिंपल को दूर करती है। जैसे दोस्तों, कभी कभी कुछ लड़के हो या लड़की हो, उन सब का जो स्क्रीन में पता नहीं ऐसे पिंपल निकालते हैं जो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर दिखाती है या दिखाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है लेकिन नहीं जाते हैं। तो ये एक आप काजू बादाम खाओ सुबह, कैसे खाना है आपको मैं लास्ट में बताऊँगा, पहले सुन लो। तो ये पिंपल भी भगा देती है। फिर और फ़ायदे हैं, जैसे दिल की जो मांसपेशियों है वो मांसपेशियों को मजबूत करती है, जैसे जिसके वजह से कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों, हार्ट अटैक आने का चांस होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं और फिर कोई ऑयल वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो वो सब कभी नहीं होगा इसको आप अगर रोज़ाना खाओगे तो। और फिर और भी फ़ायदे हैं, जैसे दोस्तों आँखों का जो रोशनी है, जैसे हमारा उम्र हो जाता है फिर हमारा जो आँखों का रोशनी है कम होने लगता है, कुछ कम दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमारे ऑप्टिक देते हैं जैसे चश्मा वगैरह देते हैं। तो आपको करना क्या है, ये आप एक हफ्ते खा के देखो, आपका जो आँखों का रोशनी है आपको आँखों का रोशनी हमेशा सही रहेगा, ये भी फ़ायदा है। और फिर और भी फ़ायदे हैं, जैसे आपका ब्लड प्योरीफाई करती है, जैसे ब्लड अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपका स्क्रीन में बीमारी दिखाई देगा, जैसे स्क्रीन खुजलाना, स्क्रीन में फुंस होना, इस टाइप का बहुत सारा गंदा बीमारी होती है जो स्क्रीन में, वो सब बीमारी आपको ठीक कर देती है अगर आपका ब्लड को आप सही करके रखोगे तो ये सब बीमारी नहीं होगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपकी जो शरीर में जो हड्डियाँ है, हड्डियाँ मजबूत करती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम जो हमारे शरीर पे चाहिए, कैल्शियम जैसे 4% यहाँ पे मिलता है, और कैल्शियम कम होने की वजह से हमारे कमर दर्द होते हैं, फिर घुटने में दर्द होते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, तो ये आपको हड्डियाँ मजबूत होने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरी है। फिर आप क्या करते हो, दूसरा कैल्शियम टेबलेट लेते हो। तो अगर आप रोज़ाना इसको काजू बादाम को खाओगे तो आपका ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ, ये जो काजू बादाम है दोस्तों, ये काजू बादाम आपको कैसे खाना है। तो अगर आप सुबह उठ के दूध के साथ, मतलब रात को सोने से पहले एक कप दूध में 2-3 काजू बादाम उसमें डाल दोगे दूध में, और पूरी तरफ से सुबह उठ के वो गल जाएगा और पूरी तरफ से दूध में ये पूरा मिक्स हो जाएगा, तो वो सही है। अगर उससे अगर ऐसे आप अगर दूध के साथ नहीं खाना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप सुबह उठो, सुबह उठ के खाली पेट में आप खा सकते हो 2 काजू बादाम
और अगर आप ये भी चाहते हो कि खजूर लेने के लिए काजू बादाम के साथ, तो आपको करना क्या है, 2 काजू बादाम और 2 खजूर आपको सुबह खाली पेट में खा लेना है। और ये हमेशा सिर्फ 2-3 दिन खा के छोड़ना नहीं है, आप जितने दिन जियोगे उतने दिन 2 खजूर और 2 काजू बादाम खाओ, फिर थोड़ा पानी पी लो, 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका जो शरीर पर जो भी प्रॉब्लम है वो सारा हमेशा आपको पहले से इम्प्रूव होने लगेंगे। आप ये ट्राई करके देखो, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ट्राई तो करो, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको तो पता ही है हम कितने रुपये ऐसे वेस्ट करते हैं, कुछ भी नशा करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, कहीं अद ऐसे पैसा उड़ाते हैं, लेकिन आप शरीर के लिए फिजिक्स, आपका जो फिजिकल है वो पहले ठीक रखो, तो फिर देखना आपका सारा काम करने में मज़ा आएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।